देख रहा है। मुझे इल्म था वो देख रहा है, हमने काजल लगाने में कसर ना छोड़ी है। मुझे इल्म था वो देख रहा है, हमने काजल लगाने में कसर ना छोड़ी। उसने कहा अच्छी लग रही हो, उसने कहा अच्छी लग रही हो, हमने इतराने में कसर ना छोड़ी। और देख के मेरा हाथ किसी और के हाथ में, और देख के मेरा हाथ किसी और के हाथ में बहुत तड़पा वो। और अगली लाइन, देख के मेरा हाथ किसी और के हाथ में बहुत तड़पा वो, हमने भी मोमो की प्लेट में चटनी ना छोड़ी। और एक एक लास्ट पोयम, ये कविता ही है, मतलब समझ लीजिए जो भी है, ठीक है ना, बस लिख देते हैं। मेरा यूजर नेम है, प्लीज फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। अच्छा, तो कुछ लास्ट लाइंस फिर खत्म करते हैं कि कुछ बातें घर पे नहीं बताते, कुछ बातें घर पे नहीं बताते हैं। रात को आज नाइट आउट करेंगे, दारू और चखना भी साथ खोलेंगे। रात को आज नाइट आउट करेंगे, दारू और चखना भी साथ खोलेंगे। कुछ पल खुद के लिए बिताते हैं, कुछ बातें घर पे नहीं बताते हैं। आज उसने मेरा हाथ पकड़ा था, दो प्लेट मोमो चाय और समोसा खिलाया था। गली के चौराहे तक अक्सर वही छोड़ता है, घर जाके बोलती हूँ मम्मी रोड पूरा जाम था, ट्रैफिक बहुत है, भूख नहीं है। वो क्या है ना, कुछ बातें घर पे नहीं बताते हैं। रात भर बातें हुई हैं, रात भर बातें हुई हैं, मम्मी ने सब देखा है। अंधेरे में फोन की लाइट से लेकर फुसुर फुसुर की आवाज सब सुना है। सुबह उठकर अपनी धीमी धीमी मुस्कान छुपाते हैं। वो बात वही है ना कि कुछ बातें घर पे नहीं बताते हैं। अपनी हर चैट छुपाते हैं, अपना फोन साइलेंट रखते हैं, फोन आए तो काट दिया करते हैं। घर पे हूँ आई कांट टॉक लिख दिया करते हैं। तड़पते तो हम भी हैं उनसे बात करने के लिए, तड़पते तो हम भी हैं उनसे बात करने के लिए, मगर क्या करे यार, कुछ बातें घर पे नहीं बताते हैं। एक रात हम रात भर रोए थे, बताना था मम्मी को कि ये हैं आपके दामाद, और हम चादर तान के सोए थे। एक रात हम रात भर रोए थे, बताना था मम्मी को कि ये हैं आपके दामाद, और हम चादर तान के सोए थे। उन्होंने कह दिया कि हम उनके लायक नहीं, उन्होंने कह दिया कि हम उनके लायक नहीं। अंदाजा हमें भी था उनकी फितरत का, अंदाजा हमें भी था उनकी फितरत का, तभी तो कुछ बातें घर पे नहीं बताते हैं। और लास्ट लाइंस हैं, आजकल मम्मी पूछती हैं क्या बात है, क्यों उदास है, क्या क्यों परेशान है, और ये किससे दिन रात चैट चलती है। आजकल मम्मी पूछती है क्या बात है, क्यों उदास है, क्या प्रॉब्लम है, और ये दिन रात किससे चैट चलती है। और हम मुस्कुरा के कह देते हैं मम्मी यार पराठे बनाओ, कुछ बातें घर पे नहीं बताते हैं। शुक्रिया, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।